मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौराधर मंगलम पुनरी कांच मंगलाय तनो हरि दीनदयाल वीर संभारी हरो नाथ मम संकट भारी जय वीर नाथ हो हित मोरा करो सुबह एक दास में तोरा करो प्रणाम करम मन बानी करो कृपा सुसेवक जानी दीनदयाल वीर संभारी हरो नाथ मम संकट भारी जय वीर नाथ हो हित मोरा करो सुबह एक दास में तोरा मंगल भवन मंगल हारी द्रभु सदसरथ दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। मित्रों बालकांड के 94वें दोहे के बाद ही कथा आज आरंभ करते हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। जगदम्बा जाय अवतरी सो पुरी वरन की जाय रिद्धि सिद्धि संनूतन अधिकाई। अर्थात जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया क्या उसका वर्णन हो सकता है, वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनियाई पुरखर भर सो भाई अधिकाई करी बनाव सजीवान नाना चले लेन सादर अगवाना। ही हर से सुरसेन निहारी हरि देखिए ति भय सुखारी शिव समाज जब देखन लागे बिडरी चले वाहन सब भागे। अर्थात देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। धरि धीरज तहाँ रहे सयाने बालक सब ले जी कई भवन पूछे पितु माता कहें बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं तो वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कही एकाह कही जाय न बाता जमकर धार की धो बरी आता बरु बौराह बसह यसवारा ब्याल कपाल विभूषण छारा। अर्थात भगवान शिव की बारात के बारे में वर्णन करते हुए नगरवासी बालक अपने घर पर बताते हैं कि क्या कहें कोई बात कही नहीं जाती, ये बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख ही उसके गहने। भोलेनाथ का ऐसा अद्भुत अनुपम रूप समस्त सृष्टि में भक्तों को बहुत प्यारा है और उसी रूप के दर्शन इस कथा में, इस पावन कथा में हम सबको हो रहे हैं। मंगल भवन य मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजुर बिहारी तन छार ब्यार कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन बिकट मुख रजनी चरा जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते कर सही देखी सो उमा विवाह घर घर बात यसिलरी कन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है, उसके साथ भयानक योगिनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने अपने अपने घर जाकर यही बात कही। मंगल भवन य मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजुर बिहारी समुझि महेश समाज सब जनन जनक मुसुकाही बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरु नाही। महेश्वर का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बराती ही आए दिए सब जनवास सुहाए मैना शुभ आरती समारी संग सुमंगल गाँव ही गारी। भगवान भोलेनाथ का दूल्हा स्वागत हो रहा है। अगवान लोग बारात को लीवा लाए, उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। पार्वती जी की माता मैना ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियाँ उत्तम मंगल गीत गाने लगी।
कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरसी हर शानी। बिकट वेश रुद्रहि जब देखा, अवलम्बन उर भयउ विसेखा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है, इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का दर्शन करने लगी। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन बैठी अति त्रासा, गए महेश जहां जनवासा। मैना हृदय भय दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वह घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जन्मवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ, उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, स्वाम सरोज नयन भर भारी। जे विधि तुम्हें रूप यसुदीना, तहीं जड़ बर बाउर कसकीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठा कर अपने नील कमल आंसू भर कर माता मैना ने कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बना दिया। पार्वती, मंगल भवन अमंगल हारी, इंद्रवंश दशरथ यजुर बिहारी। माता उमा से उनकी माँ ने अपना दुख कह सुनाया। कसकीन बौर बराह विधि जहि तुम्हें सुंदरता दई, जो फल चहिए सुरत रहि सो बर बस बबू रहि ला गई। तुम सहित गिरिते गिरी पावक, जरऊ जल निधि मऊ परऊ। घरु जाऊ अपजस हो जग जीवन विवाह नहु करऊ। अर्थात जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए जो फल कर वृक्ष में लगना चाहिए वो जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले से तुम्हारा विवाह न करूंगी। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवंश दशरथ यजुर बिहारी। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। भई बिकल अबला सकल दुखित देख गिरी नारी, करी बिलाप रोदति बदत सुता स्नेहु संहारी। अर्थात हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। असूप देश उमह जिन दीना, बौरे बरहि लागी तप कीना। साचे हुन के मोह न माया, उदासीन धन पर घर घालक लाज न भीरा। बांज की जान प्रसव के पीरा। माता पार्वती नारद जी को कोसने लगी और कहने लगी कि इसका मतलब है जीवन उदासीन रहने के कारण उन्हें सुख दुख उचित अनुचित का भान ही नहीं रहता। वो स्त्री पुत्र जन्म की संतान जन्म की पीड़ा को क्या समझेगी जो स्वयं बंध्या है। आगे माता मैना सोचती हैं कि जननी ही विकल विलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदु बानी। अस विचार सोच ही मति माता, सो न टरै जो रचै विधाता। अर्थात अपनी माँ को विकल देखकर माता पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता रस देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर ना हो, लगाई ये काहू तुम सन मिटै के विधि के अंका। मात व्यर्थ जन ले हु कलंका। अर्थात मेरे भाग में बावला पति ही लिखा है, तो किसी को दोष क्यों लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं, वृथा कलंक का टीका मत लो। जन ले हु मातु कलंक करुणा, परिहर हूँ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहाँ पाऊब तहीं। सुनियु माँ बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहीं। बहु भांति विधि लगाई दूसन, नयन बारी विमोचहीं। अर्थात हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, ये अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊँगी वहीं पाऊँगी। पार्वती के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियाँ सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आँखों से आंसू बहाने लगीं। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवंश दशरथ यजुर बिहारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मित्रों, ने बड़ा ही मार्मिक प्रसंग प्रस्तुत कथा में उपस्थित हुआ है हम सबके समक्ष, जिसमें बालिकाओं के जीवन की सच्ची दशा का वर्णन है। उनका भवितव्य जो भी प्राप्त होता है वही उनका भाग्य बन जाता है। और हमारे आम जनजीवन में भी गुणी स्त्रियां, विवेकवान स्त्रियां
अपने कर्मयोग से, अपने सतीत्व से, अपने सदचरित्र से, अपने त्याग और कर्तव्य निष्ठा की भावना से, माता पिता द्वारा चुने हुए वर के साथ अपना जीवन सुखमय बना ले जाती हैं, समस्त चुनौतियों का सामना कर ले जाती हैं, जीवन में चहुं और उल्लास छा जाता है। इसी में जीवन की गति है, इसी में जीवन की सफलता है, इसी में जीवन की प्रगति है। इसी परम श्रेष्ठ संदेश के साथ समस्त बालिकाओं को, समस्त स्त्रियों को भगवान उज्जवल भविष्य प्रदान करें। सबका जीवन सुखमय रहे, सबके कदम निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते रहें, ऐसी आशा और शुभकामना के साथ आज की कथा यहीं पूर्ण करते हैं। हर हर महादेव। आइए भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हैं और आज की कथा यहीं पर पूर्ण होती है। आगे की कथा अनवरत कुमारसलनी पर जारी रहेगी, बालकांड के इसी प्रसंग के संदर्भ में। बोलिए श्री आवर रामचंद्र की जय। दीन दयाल बिरिद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, जे बिधि नाथ होइ तुमोरा, करौ सुबेगी दास मैं तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंस दशरथ अजुर बिहारी, कर्पूर गौरम करुणावतार सारम, भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम, हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। जय श्री राम।